गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ रेसिडेंशियल पैरामाउंट मिशन स्कूल। दिस इज मंजू कुमार। टुडे आई विल टीच यू सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस क्लास फोर्थ। जैसा कि हम लोग सेकेंड चैप्टर में जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम पढ़ चुके थे, आपने पढ़ा था प्लांट हैबिट के बारे में, है ना, प्लांट्स हैबिट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें बताया था कि प्लांट्स कैसे हैबिटेट होते हैं, उनके कौन कौन से क्लाइमेट चाहिए हैबिटेट होने के लिए। आज हम लोग इसी चैप्टर के MCQs क्वेश्चंस को बारे में जानेंगे, क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर, है ना। आपका क्या है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके रिलेटेड चार ऑप्शन है। उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आपका राइट है उसको चूज करना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है देवदार फायर आर द प्लांट्स। तो आपके जो प्लांट्स है ये कौन से प्लांट्स है आपका, तो ये का जो आपका ऑप्शन ए है हिली रीजन्स, ये आपका राइट आंसर है आपका। सेकेंड क्वेश्चन है कोकोनट एंड रबर प्लांट्स आर एडेप्ट टू ग्रो इन। तो रबर और कोकोनट का जो प्लांट है कहाँ ग्रो करते हैं, कहाँ पर अनुकूल प्राप्त करते हैं, तो आपका देख रहे हैं जो ऑप्शन बी है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ये ग्रो करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है द लीव्स ऑफ डिजर्ट प्लांट्स रिड्यूस टू द स्पाइंस टू हेल्प। तो जो रेगिस्तानी पौधे में जो जिल में जो कांटे होती है वो किसी में उसको मदद करती है, तो इसका ऑप्शन सी ए जो है आपका ऑप्शन ए रिड्यूस वाटर लॉस। तो रेगिस्तानी पौधे होते हैं जानते हैं कि आप वो उनके वाटर की उपस्थिति कम होती है उनमें, तो वो इस आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका राइट ऑप्शन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका है प्लांट ब्रीथिंग रूट। ब्रीथिंग रूट इज ए स्पेशल फीचर ऑफ द ब्रीथिंग, जो रूट जो है किस प्लांट में होती है, तो ब्रीथिंग रूट जो है आपका वो मैंग्रोव का प्लांट होता है, वो उसमें पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो सी जो है आपका राइट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में, एस्परोफाइटिक प्लांट्स। तो एस्परोफाइटिक प्लांट्स में कौन से है, तो ऑप्शन डी में जो है आपका मशरूम। तो मशरूम क्या है आपका, एक एस्परोफाइटिक प्लांट्स है। तो हाँ ऑप्शन जो डी है आपका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं, क्वेश्चन सिक्स है इंसेक्ट वेरियस प्लांट्स जनरली ग्रो इन। तो कीट भक्षी पौधे वो कहाँ ग्रो होते हैं, कहाँ विकास करते हैं, जहाँ पे मिलियंस डिफरेंट एरिया, जहाँ पे मिलियंस की कमी होती है वहाँ पे ऐसे पौधे विकास करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर बी यानी गिव शॉर्ट आंसर के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर बी है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट बेसिस कैन डिफरेंट प्लांट्स क्लासिफाई। तो किन किन से बेसिस कारण का आधार कारण जो है पौधों का वर्गीकरण किया गया है, उसके आंसर के बारे में देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट्स ऑल प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इंटू टू टाइप्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स या लैंड प्लांट्स, एक्वेटिव या वाटर प्लांट्स। तो जो पौधे का जो निवास स्थान है उनके आधार पे पौधे को दो भाग में बांटा गया। पहला क्या कहेगा आपका स्थलीय पौधा, दूसरा आपका जलीय पौधा कहलाता है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन क्या है, मतलब अनुकूलन क्या होती है। तो प्लांट्स ग्रोइंग इन ए पार्टिकुलर हैबिट डेवलप सम स्पेसिफिक फीचर्स दैट हेल्प them to survive and flourish there, this property is called adaptations। तो वैसा भाग, वैसा एरिया जिसमें पौधे जो है विकास कर पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, फल फूल पाते हैं, वैसे ही एरिया को, है ना, एरिया में पौधे जिस भाग में, तो वैसे ही एरिया को कहा जाता है एडप्टेशन। मतलब कह सकते हैं कि निवास स्थान जहाँ पौधे निवास करते हैं, है ना, जहाँ वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जहाँ पर वो फलते हैं, फूलते हैं, अपने संख्या को बढ़ाते हैं। तो वैसे ही जो गुण के को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन यानी अनुकूलन के नाम से जानते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है गिव टू फीचर्स ऑफ प्लांट ऑफ प्लेन रीजन्स। जो समतल क्षेत्र में जो पौधे होते हैं उनके दो गुणों के बारे में बताइए। तो फर्स्ट आपका क्या है, दीज
दिस ट्रीज हैव लॉट ऑफ लीव्स विद द ब्रांचेस स्प्रेड अराउंड। तो ऐसे पौधे में क्या होते हैं, लीव्स बहुत अधिक मात्रा में होती है और इनकी जो ब्रांचेज होती है वो चारों तरफ फैली होती है। सेकेंड आपका फीचर है, देयर लीव्स आर फ्लैट एंड थिन, दिज हेल्प इन इवेपोरेटिंग द एक्सेस वाटर एंड कीप देम कूल। और ऐसे पौधे के जो पत्तियाँ होती है चौड़ी होती है ना, और ऐसे पौधे की पत्तियाँ में जो है जो वाष्पीकरण क्रिया होती है जिसके कारण पौधे जो है कूल बना रहते हैं, ठंडे बना रहते हैं। और आपका फोर नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, तो व्हाट आर द एस्प्रोफेटिक प्लांट्स, है ना। तो एस्प्रोफेटिक प्लांट्स क्या है, द प्लांट्स दैट डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स फॉर देयर सर्वाइवल, दिज आर कॉल्ड एस्प्रोफेटिक प्लांट्स। वैसे पौधे जो मर्द या सड़े गले पदार्थ पे जीवित रहते हैं, है ना, जिनसे उनका खाना प्राप्त होता है, वैसे प्लांट को ही एस्ट्रोफैटिक प्लांट्स कहा जाता है, मृत तो जो पोषी पौधा कहा जाता है। और आपका क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द स्पेशल फीचर ऑफ द सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स। तो वैसे प्लांट जो पूरे पानी में यानी अंडरग्राउंड प्लांट्स जो पूरे पानी के अंदर ही रहते हैं, वैसे प्लांट का क्या क्या जो है खास उनका गुण है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, दीज प्लांट्स ग्रो अंडर द वाटर, द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नैरो एंड हैव नो स्टोमाटा। तो ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं इनकी पत्तियाँ जो होती है काफ़ी नैरो होती है, नुकीली होती है, इनमें स्टोमाटा नहीं पाई जाती है, देयर रूट्स रिमेन द फिक्स अंडर सॉइल, और इनकी रूट जो होती है वो मिट्टी से क्या फिक्स जुड़ी हुई रहती है। द स्टीम आर द वेरी डेलिकेट एंड फ्लेक्सीबल ड्यू द एयर स्पेस, और इनकी जो स्टीम होती है वो क्या होती है काफ़ी लचीली होती है क्योंकि उसमें हवा भरा हुआ रहता है हवा के कारण। द स्टीम एंड लीव्स फ्लो विद द वाटर करेंट, और इनकी स्टीम और लीव्स जो क्या है वो पानी के धारा के साथ बहती है। दीज प्लांट्स ब्रेथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो ऐसे पौधे जो अपने ब्रेथ सांस कैसे ले पाते हैं, तो पूरे शरीर जो सरफेस है अपने पूरे बॉडी के जो शरीर का जो सरफेस होता है उसके द्वारा ये सांस ले पाते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द ब्रीथिंग रूट्स, हाउ डू दिस हेल्प द मार्शी प्लांट्स। ब्रीथिंग रूट्स क्या आते हैं और ये मार्शी प्लांट को कैसे उसके लिए हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। द रूट ऑफ मैंग्रोव ग्रो अबव द सॉइल बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट्स। तो मैंग्रोव का जो पौधा होता है उनकी जो रूट होती है वो सॉइल के ऊपर होती है क्योंकि उनके रूट तक जो है एयर नहीं पहुंच पाता है। दिस टाइप ऑफ रूट्स कॉल्ड ब्रीथिंग। तो इसी प्रकार के जड़ को ब्रीथिंग रूट कहा जाता है। दिज रूट हैव टेनी ओपनिंग ऑन देयर टिप्स थ्रू द विच द गैस कैन पास। और ऐसे रूट में छोटे छोटे छिद होते हैं जिसके कारण जो है गैस जो है वो पास होती रहते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज ए कैक्टस सर्वाइव इन डिजर्ट। तो कैक्टस जो है वो कैसा है, वो एक डिजर्ट प्लांट है, रेगिस्तानी पौधा है। तो कैक्टस जो है रेगिस्तान में कैसे सर्वाइव करता है, कैसे जीवित रहता है उसके बारे में देखना है। ए लुक एट हाउ द कैक्टस आर द एलेबल टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द ड्राई डिजर्ट। इन्वायरमेंट, तो कैक्टस जो पौधे होते हैं वो कहाँ होते हैं, रेगिस्तानी स्थान पे होते हैं, वहीं के जो वातावरण में वो सर्वाइव करते हैं। द स्पाइंस ऑन ए कैक्टस हेल्प टू द प्रोटेक्ट फ्रॉम द ह्यूमंस एंड एनिमल्स। और कैक्टस में जो जो कांटे होते हैं वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं इससे जानवर से और मानव से दोनों से प्रोटेक्ट करके बचाव करते हैं। इट्स रूट्स आर स्प्रेड आउट ऑफ द कलेक्ट वाटर फेन इट डज रेन एंड इट्स स्टोर वाटर इन द बॉडी फ्रॉम द फ्यूचर यूज। और इनका जो रूट्स होते हैं काफ़ी फैले होती है और रूट जो है पानी की उपस्थिति करती है। जब वर्षा होती है तो क्या करते हैं कि रूट ये जो है पानी को अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं कि भविष्य में इसका यूज करने के लिए स्टोर कर लेते हैं।
आपका फुल नंबर क्वेश्चन है कि हाउ डज ए वेनस फ्लाइट ट्रैप प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। तो वेनस फ्लाइट ट्रैप जो है इंसेक्ट वेरियस प्लांट है, तो वो कैसे ट्रैप करता है किसी भी इंसेक्ट को, किसी कीड़े को कैसे ट्रैप करता कर लेता है। तो द लीव्स ऑफ वेनस फ्लाइट ट्रैप आर लाइक ए ट्रैप। जो वेनस फ्लाइट ट्रैप का जो लीव्स होता है वो एक जाल की तरह होता है ना, लाइक ए ट्रैप मतलब जाल की तरह होता है। दे कैन स्नैप एंड सट विन द इंसेक्ट सीट ऑन देम। तो जैसे कोई कीड़ा उनके लिप्स से बैठा हुआ, क्या कहते हैं, साइंस उसको कीड़ा को ढक लेती है, बंद कर लेती है लिप्स को और उसको ढक लेती है। ठीक है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन सा जो है वो ख़त्म हो रहा है। और आपका जो डी नंबर क्वेश्चन है कि गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इच ऑफ द फ्लोइंग। अब क्या करना है, जितने भी आपका जो दिया हुआ क्वेश्चन उसको दो दो एग्जाम्पल देना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्लांट डेट ग्रो ऑन हिल्स। तो प्लांट जो है हिल्स मतलब जो पहाड़ी एरिया में जो प्लांट ग्रो करते हैं, कौन कौन से प्लांट है। तो पाइन है, एक देवदार है, फिर अंडर वाटर प्लांट्स कौन है आपका, तो हाइड्रिलिया एंड टैप ग्रास। थर्ड क्वेश्चन है आपका प्लांट डेट ग्रो इन डिजर्ट, तो रेगिस्तानी में जगह पर होने वाले पौधे कौन से हैं आपका, कैक्टस प्लम। और आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इंसेक्ट वेरियस प्लांट्स आप कौन कौन से हैं, इसके दो ही आपको होंगे, विनस फ्लाइट ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। तो आज आपका चैप्टर टू का क्वेश्चन सब फिनिश हो रहा है। हम आशा करेंगे कि आप फेयर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे नीट एंड क्लीन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।